मैं सत्यम जायसवाल, ये मेरी माता श्री सुधा जायसवाल, उनको अगस्त 2018 में ब्लड कम हुआ, इसी कारण से मुझे पता चला। फिर चेकअप वोकअप पर पता चला कि इनकी किडनी थोड़ी सी कम कर हुई। इनका दवा चल रहा था नितिन अग्रवाल नर्स में, इनका दवा सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसके बाद मैंने दिल्ली एम्स में दवा इनका हुआ, दवा बार बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता गया इनका, फिर मुझे यहाँ का पता चला और यहाँ का मैंने दवा स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल इनका कम होने लगा, धीरे धीरे इस समय क्रिएटिनिन लेवल 5.71 है। आप लोग कहाँ से हैं? मलेरिया टाइफाइड का दवा चला दिए, इंजेक्शन लगाए, ब्लड चढ़ा दो बोतल। ये ब्लड और चढ़ने के बाद ब्लड चढ़ने के बाद पता चला। तो उस समय क्रिएटिनिन कितना था? उसमें 2 पॉइंट कुछ लगभग समथिंग 3 के आसपास था ब्लड चढ़ने के बाद। उसके बाद बढ़ के 7 तक चला। तो आप लोग फिर कहाँ कहाँ गए? नीति लगवा के देखे सबसे पहले, नीति लगवा गए, बीएचयू दिखाए, उसके बाद दिल्ली एम्स चले गए, फिर वहाँ से यहाँ आ गए। दिल्ली एम्स तक जाते जाते कितना 7 था लगभग 7 जी। ठीक है, आरोग्यम का पता कैसे चला? YouTube के माध्यम से पता चला था। यहाँ पे जब आए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, क्या बोला? रिपोर्ट बोला कि लाइए दिखाइए, पहले मैं पहले ही आया था। तो उस समय क्या रिपोर्ट थी आपको? 7 था, लगभग 7 ही था उस समय। तो क्या एडमिट नहीं किए थे? डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एडमिट हो जाइए, बट माता से तैयार नहीं थी, बोले कि दवा दे दीजिए मुझे, दवा बोल दी 15 का सूट कर, ठीक है नहीं तो फिर एडमिट करेंगे, तो दवा इनको तुरंत सूट कर दिया। लगभग 1.5 महीने हो गया। और अभी क्या पोजीशन है? क्रिएटिनिन का 5.61 इस टाइम है। घट गया। डायलिसिस हुई थी? डायलिसिस नहीं, कभी नहीं। फिजिकल चीज़ों में आराम है? फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं था सर उसे। अभी आराम है? एकदम आराम। अब क्या आपकी क्या राय है अभी क्या रोगियों के बारे में? जिसको भी किडनी में प्रॉब्लम है एक बार जरूर यहाँ संपर्क करें, मैं तो इसको ये सलाह दूंगा, यहाँ से अच्छा कहीं कुछ है नहीं, फिर घूम फिर के यहाँ आना ही पड़ेगा उन्हें। आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा है? उनको आगे आने संतुष्टि मिला? आप यहाँ के लाभ से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है।